हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो सीधा फोकस करते हैं हमारे खाने पे, क्योंकि आज बने हैं अंडे आलू की सब्जी। की रेसिपी जो है हमारे पिछले वाले ब्लॉग में थी, तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो कुर्बानी देगा अंडे की वो कौन देगा। तो कुर्बानी मेरी सिस्टर ने दिया था अंडे की, और उसने नहीं खाया था, बाकी सब ने खाया था अंडे की सब्जी। सिर्फ कान के साथ दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 चक्कर में उन्हीं में अटक के रहेगी तो सब पे आ जाती। गाइज यहाँ पे सब बोतल खोलने के लिए बैठे हुए थे, मिस्टर खान ने चीटिंग करी है। मैंने 5 बोल के रोक, ये गर्म पानी इंतजार कर रहा है इस बोतल में जाने का, पर मिस्टर खान दे तो इतना। एक्चुअली इतना बड़ा इससे पहले। और आज मम्मी ने बनाया मस्त वाली खीर। मम्मी खीर पे फोकस करना, मम्मी में शुगर ही नहीं है। मम्मी में शुगर है पागल, तभी तो शुगर की गोली लगा रही है। मम्मी की खीर में शुगर नहीं है, ये बोल। अप्पू बेटा ओ गर्म पानी भैया लो जी, जल्दी उठने का नतीजा इसी को कहते हैं। आज मिस्टर खान 8:30 बजे उठ गए और मुझे भी उठा दिया जबरदस्ती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग दूल्हा दुल्हन के थ्रे एकदम चिपक के बैठे हुए थे, पर ऐसा कुछ नहीं गाइस। वो ज्यादा कड़ाके वाली ठंड लग रही थी आज पहली बार, तो मिस्टर खान कम्बल वम्बल ढूंढ गए थे। मम्मी भी हमारी ब्लॉगिंग कर रही थी, बिकॉज मम्मी कहती थी आज तुम लोग बड़े मस्त वाले लग रहे हो। तो अरमान के पापा मेरे हाथ वाथ निकाल करके लैपटॉप चला रहे थे, क्योंकि आज उनको कंपनी का काम था। यहाँ पे अरफान जो है धूप में आ गया था, क्योंकि मैं और अरफान बिल्कुल धूप नहीं लेते और धूप लेना भी जरूरी है। तो अरफान का एकदम सर भिन्ना गया था, बोला मुझे लेके चलो लेके चलो, क्योंकि अरफान को बिल्कुल भी गोद में पसंद नहीं। इसी टाइम पे हमारे यहाँ पे कवाड़ी वाले आ गए थे और बोले कवाड़ी ले लो। मैंने कहा वो माई गॉड रोको पहली फुर्सत थे। और मिस्टर खान वॉशरूम में थे, वॉशरूम में सवाल थे बाबू रोको। फिर गली के एकदम नुक्कड़ में से पहुंच गए थे ये अंकल। फिर मैंने इनको बुलाया, भैया सॉरी इनको बुलाया। बुलाने के बाद मैंने कहा भैया जी लेके जाओ, जो मिल रहा है लगे हाथ लेके जाओ। फिर हमारे घर से बहुत कुछ निकला। अब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि 2013 से हमारे घर में चीज़ें थी, जैसे ये बॉटल टूट जाती कुछ है तो मम्मी रखे 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 उसको एकदम भंडार बना रखी थी। इससे ही आप बहुत अंदाजा लगा सकते हो। इवन अभी तो बहुत कम है गाइस। उसे बाहर जो आप बाहर देखोगे ना, बाहर तो आप हैरान हो जाओगे। पूरी गली वाले हमसे पूछ रहे थे आप कर क्या रहे हो, ये कहाँ से निकाले हो। अब उनको क्या बताइए हमारे घर का है, पर गली वाले ये सोचते होंगे हम लोग मांग मांग के कहीं ना कहीं से तो लाते होंगे, है ना। तो ये भैया जो है ना बड़े मतलब छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान देते हैं, ये इनके अंदर है। मतलब मम्मी बता रही थी कि अगर हम ये शॉप में जाके बेचते हैं ना तो ये इससे हमारा ज़्यादा बेनिफिट होता, बट ये गली में आके बिक रहा था ना तो इससे कम बेनिफिट है। तो बट फिर ठीक है यार, गली में आकर के इतनी चीज़ें हम लोग लेके कैसे जाते हैं। इसके लिए भी प्रॉपर 2 रिक्शे होते तब जाके ये सामान बिकता, आप समझ सकते हो। तो ये भैया भी परेशान हो गए थे, बाई गॉड बार बार पूछ रहे थे आंटी ये आपका ही सामान है, आंटी आपका ही सामान है, आंटी आपका ही। मैंने कहा मम्मी बोली हाँ बेटा ये मेरा ही सामान है। ये अरफान का फर्स्ट वॉकर था जो बिल्कुल टूट चुका था, तो उसको भी हमने निकाल दिया। और सेकेंड वाला भी टूट गया पता नहीं कैसे, तो वो साइमिन जो थी ना उसने थोड़ा सा चटका दिया था जब ऊपर रहा था। तो बट होता है ना बच्चे बच्चे, अब उनको क्या कहें। तो अभी भी मैं नीचे से लाई जा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी सिस्टर ये कह रही थी ओ माय गॉड सिस्टर ने जो भैया क्या काम किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी अभी भी चीज़ें देख रही है कि ये रखूँ कि नहीं। तो अभी भी कह रही है इसमें मैं सर्फ रखूँगी इसमें। बताओ हमारे घर में 1 किलो का सर्फ आता, उसमें भी वो आधी किलो का डब्बा ले रही है। तो ये देखिए जब हमारा पहले जब घर टूटा नहीं था तो ये किचन था, उसमें ये वॉशिंग मशीन लगा था, इसको भी नहीं देना चाहती, कहती घर बनेगा। मैं बोली पता नहीं अब हमारे पास पैसा कब है कब नहीं है कब बनेगा। मैंने कहा आप निकालो, जब आप बनाना होगा तो अल्लाह ताला फिर से अच्छा नवाजेगा तो हम कुछ नया ले लेंगे। तो मिस्टर खान को कहती तुम उनकी बात पे मत आओ, और वो बार बार हंस रहे थे मैं क्या करूं मम्मी वो दे रही है वो दे रही है। तो मेरी मम्मी पता मुझे क्या बोली, तू निकल जा इस घर से। मैं बोली मैं निकलूंगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं निकलूंगी। तो अरफान जो है अपने खाला मम्मी की गोद में था और आप भी ब्लॉगिंग मतलब कर रही थी, और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। आप सोचोगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो गाइस इसी कचड़े वचड़े को साफ सफाई करके मैं जा रही थी अपने ससुराल में, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे खेत वेत का टाइम है और जाना बहुत जरूरी था। तो मैं और मिस्टर खान निकल रहे 3-4 दिन के लिए।
तो यहाँ पे मिस्टर खान तैयार हो रहे थे। मिस्टर खान बोले कि मैं अकेला जाऊंगा, तुम भी चलो साथ। मैंने कहा ओके। तो अब मिस्टर खान की स्पीड देखा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा। मिस्टर खान इतने जल्दी चल नहीं रहे थे। ये मैंने अब मेरा अपना जादू है गाइस, मैंने स्पीड थोड़ी तेज कर दी थी। यहाँ मम्मी अरफान को लेकर रखी हुई थी, और मम्मी किस चाल देखो थोड़ी सी हंसी आ रही, बट कोई बात नहीं। तो हम लोग बैठ चुके थे, मम्मी ने हम लोग को गली के बाहर छोड़ा, ओला वाला आ गया था। अरफान को ना कार में थोड़ा डर लगता है, बट उस उतना भी अभी थोड़ा फिर भी कंफर्टेबल हो गया। ये तो भैया कार वाले को, सीट को, बाहर गाड़ी कार सबको सलाम देता हुआ जा रहा था। मैंने कहा ओके सलाम दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अरफान के पापा बड़ा एंजॉय कर रहे थे, तो आप भी इस मोमेंट को एंजॉय करिए। तो गाइज आपने भी गाना एंजॉय किया नहीं किया, पर मैंने तो बहुत किया, इसलिए मैंने आपको भी सुनाया कि गाड़ी वाले जो भैया थे वो इतने मस्त मस्त गाड़ी गाना चला रहे थे, गाड़ी नहीं गाना चला रहे थे, कि मेरा दिल आ गया था इसमें। और क्या गाने, मतलब तो मिस्टर खान हम लोगों को अपनी मतलब रोमांटिक वाली बातें याद आ रही थी, और मिस्टर खान मैडम कर रहे थे। मैंने कहा ओह माय गॉड। तो यहाँ पे अपनी फीलिंग के साथ हम घर पहुँचे, और मैं आकर के थोड़ा थक गई थी, क्योंकि आपको पता है मुझे इस टाइम पे बैक इशू है, मैं ज़्यादातर बैठ नहीं सकती, मैं आकर के यहाँ लेट गई थी। तो गाइज़ मेरी लिपस्टिक मुझे बहुत प्यारी लग रही, आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पेट पूछा, क्योंकि मम्मी मैं और हम मिस्टर खान भूखे थे, तो मम्मी ने अरफान को पकड़ा, फिर मैंने यहाँ पे फटाफट खाया। तो ये जो कड़ी आई थी वो बड़ी मम्मी के घर से आई थी, और बनाया था घर में गोभी आलू, और बहुत टेस्टी था, क्योंकि चूल्हे की गोभी आलू की सब्जी में गाइस और कड़ी दोनों मिक्स करके खाई थी। तो गाइस मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए।